और क्या हाल है सबके? मस्त, मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। अपन ने क्या बात कर रहे थे? अपन वैदिक लिटरेचर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ा हुआ था कि वैदिक लिटरेचर कौन कौन सी होती है। सबसे पहले वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ये होते हैं वैदिक लिटरेचर। इसमें अपन ने वेद पूरे कंप्लीट कर लिए, जिसमें चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों अपन ने कंप्लीट करे। आज अपन बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। अब ये जो साहित्य है कि भाई ये एक बार लिखाई में आ गए, उसके बाद में वापस लिखने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, ये जो साहित्य जो लिखे गए थे, इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। अब इन डिफिकल्ट लैंग्वेज होने के कारण कईयों को महीनों महीनों लग जाते थे, सालों साल लग जाते थे इसमें एक सिर्फ एक श्लोक को समझने में। सालों साल लग जाते, भाई इसमें लिखा क्या है, हमें उसको समझना है, उसको रिमेम्बर करने में, उसको याद करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इसीलिए कई एलाइट ग्रुप जो था उनकी बैठक में ये बात हुई कि भाई हमें इसका एक सिंपल लैंग्वेज में सारे के सारे साहित्य वापस लिखने चाहिए। सारे के सारे साहित्य इनको वापस लिखे गए कि भाई ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है जिसमें यज्ञ के बारे में मेंशन करा हुआ है इनकी लिटरेचरों में, उसको भी अपन को सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। आरण्यक साहित्य है, इसको भी लैंग्वेज में अलग अलग उसमें लिखना चाहिए। तब ब्राह्मण साहित्य में कितने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद हैं। इनके जो साहित्य लिखे गए, ऋग्वेद में भी दो ब्राह्मण है। इनके जो लिखी गई है ब्राह्मण साहित्य, इसमें ऋग्वेद में दो ब्राह्मण आए थे। अपने यजुर्वेद है, इसमें भी दो ब्राह्मण है। सामवेद है, इसमें तीन ब्राह्मण है। अथर्ववेद है, इसमें एक ब्राह्मण है ना। इसके आरण्यक उपनिषद की बात, आरण्यक उपनिषद में ऋग्वेद में जो है दो ब्राह्मण, सेम टू सेम, वैसे के वैसे ही। यजुर्वेद में अपने तीन ब्राह्मण, अपने सामवेद में एक ब्राह्मण, अथर्ववेद में इसमें कोई भी आरण्यक नहीं, सॉरी, आरण्यक में ऋग्वेद में दो आरण्यक, यजुर्वेद में दो तीन आरण्यक और अपने सामवेद में जो है एक आरण्यक। अथर्ववेद जो है इसमें कोई भी आरण्यक लिटरेचर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो अपन एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में कि सबसे पहले अपन बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य वो साहित्य है जिसमें यज्ञ के बारे में मेंशन करा गया है। इस साहित्य में बताया गया है कि यज्ञ कैसे करा जाता है, कैसे क्या क्या इसकी विधियां होती है, कौन कौन से रीति रिवाज इसमें फॉलो करे जाते हैं। तो ये सारी चीज बताई गई है ब्राह्मण साहित्य में। ये ब्राह्मण साहित्य में अलग अलग पार्ट में, ऋग्वेद में अलग ब्राह्मण साहित्य, अलग ब्राह्मण है इसमें, जिसमें ऋग्वेद में जो है ये जो मैं बताऊंगा ये चीज आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है, इसका उठा के इधर नहीं करना है। इसीलिए ये चीज साथ साथ में याद करते चलोगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो ऋग्वेद में दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशितकी। कौन कौन से ऋग्वेद में दो ब्राह्मण आते हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद आए, यजुर्वेद में भी दो ब्राह्मण आते हैं, तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद आपने, अपन ने जब यजुर्वेद पढ़ा था तो यजुर्वेद में अपन ने देखा था कि यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण है वो है तैत्रेय ब्राह्मण, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। तो ये जो है ये किसका है? तैत्रेय जो है कृष्ण यजुर्वेद का है और शतपथ जो है शुक्ल यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रेय है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है। सामवेद में तीन यजुर्वेद, तीन ब्राह्मण आते हैं, जिसमें कौन कौन से? पंचविश, सद्विश और जैमिनी। कौन कौन से हैं? पंचविश, सद्विश और जैमिनी ब्राह्मण। अपने अथर्ववेद में जो है गोपथ ब्राह्मण। तो कौन कौन से अपन ने ब्राह्मण देखे इसमें साहित्य लिखा गया था, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसमें कौन कौन से? सबसे पहले ऋग्वेद में दो, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद में दो, कृष्ण यजुर्वेद का जो है तैत्रेय और शुक्ल यजुर्वेद का जो है क्या है? शतपथ। अपने सामवेद में तीन आ गए, जिसमें पंचविश, षड्विश और जैमिनी। अथर्ववेद में एक आ गया, जिसमें गोपथ। तो याद हो सीधे सीधे सीक्वेंस में, ऋग्वेद के दो, ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद के दो, तैत्रेय और शतपथ, सामवेद के तीन
पंचवी षटवी सॉरी जैमिनी है और आपने अथर्वेद का एक, जिसमें कौन कौन सा है, गोपद। तो ये चीज आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपके सीक्वेंस में याद हो जाएगी। दूसरी बात करें, अपना ब्राह्मण साहित्य कंप्लीट होता है जिसमें किसके बारे में बताया गया, यज्ञ के बारे में बताया गया। इसमें 4 वेद है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। अब इसमें जो है अलग अलग साहित्य लिखे गए हैं जिसमें अलग अलग ब्राह्मण है, इनके अलग अलग ब्राह्मण साहित्य, उनके ये नाम है। दूसरा आता है आरण्यक लिटरेचर, जिसमें आरण्यक में आरण्यक का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। किसका मतलब, आरण्यक का जो मतलब होता है, आरण्य का जो मतलब होता है वो होता है जंगल। तो मतलब ये हुआ कि आरण्यक लिटरेचर वो लिटरेचर है जिसको कंपोज करा गया है जंगलों में, जंगलों में बैठ के इसको लिखा गया है, जंगलों में बैठ के कोई चीज लिखी जाती है। तो बहुत रहस्यात्मक इसमें ज्ञान होता है, रहस्यात्मक इसमें नॉलेज होती है। तो इसका कॉन्टेंट भी यही है। कॉन्टेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, इसी को ही फिलोसफिकल नॉलेज भी बोलते हैं, और एक मिस्टिक नॉलेज, रहस्यात्मक ज्ञान के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका कंटेंट भी क्या है, जंगल में बैठ के इसको लिखा गया है। तो जंगल में बैठ के कोई तपस्या करता है तो बहुत ज्ञानी आदमी बनता है, जंगलों में पहाड़ों में यहाँ पे चले जाते हैं साधु महात्मा लोग तपस्या करने के लिए, तो ये इनमें ज्ञान भी बहुत होता है। तो इसीलिए इसका भी जो कंटेंट है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी और अपना मिस्टिक नॉलेज, रहस्यात्मक ज्ञान भी इसका कंटेंट है। इसमें भी आरण्यक है जिसमें ऋग्वेद में 2 आरण्यक है, वो सेम टू सेम जो कि अपने किसमें थे, ब्राह्मण साहित्य में थे। आरण्यक कौन कौन से ऋग्वेद में, ऐत्रेय और कौशिक की। अपने इसकी यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में 3 आरण्यक हैं, जिसमें कौन कौन से, पहला वो सेम है तैत्रेय जो कि अपने ब्राह्मण साहित्य में सेम था, यजुर्वेद का तैत्रेय सेम है। दूसरा आता है मैत्रायणी, कौन सा है दूसरा, मैत्रायणी यजुर्वेद में दूसरा जो आरण्यक है वो है मैत्रायणी, और तीसरा है बिरद बिरद। और ये जो 2 आरण्यक है ये है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण इसके यजुर्वेद के, और बिरद बिरद जो है शुक्ल यजुर्वेद का। क्या है यजुर्वेद, आरण्यक में यजुर्वेद के कितने हैं, 3 आरण्यक है, जिसमें कौन कौन से हैं, एक तो तैत्रेय, एक मैत्रायणी और एक बिरद विरद। बिरद विरद शुक्ल यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रेय और मैत्रायणी ये 2 किसके हैं, अपने यजुर्वेद के आरण्यक हैं, जो तैत्रेय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद के हैं, और बिरद विरद आरण्यक। बिरद विरद विरद का जो मतलब होता है वो है लार्ज, इसका जो मतलब होता है बहुत ही बड़ा आरण्यक लिखा हुआ है ये, इसलिए इसका मतलब है लार्ज। तो ये किसमें है, शुक्ल यजुर्वेद में। सामवेद में एक ही है आरण्यक जिसका नाम है तलवलकार आरण्यक, किसमें है, सामवेद में। क्या है, तलवलकार आरण्यक सामवेद में। तो आरण्यक साहित्य भी खत्म होता है। आरण्यक साहित्य में क्या बता रखा है, इसकी जो टेस्ट है उसको कंपोज कहाँ पे बैठ के करा है, फॉरेस्ट में बैठ के करा है। कंटेंट है इसका एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, मिस्टिक नॉलेज। ऋग्वेद के जो है आरण्यक कौन कौन से है, ऐत्रेय और कौशीतकी। यजुर्वेद के जो आरण्यक है वो है तैत्रेय, मैत्रायणी और बिरद विरद। सामवेद का जो आरण्यक है वो है तलवलकार, याद, इसको भी 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और याद करना ही है। कैसे भी दीवार पे माथा मारो, कहीं पर भी माथा मारो, कितना भी जोर दो दीवार पे, अगर, और ये टॉपिक मेंस में भी पूछे जाते हैं, अगर मेंस में भी लिखना है इनके बारे में तो ये चीज याद होनी चाहिए। 4-5 बार पढ़ो, एक ही चीज को आदमी 10 बार करेगा उसको वो चीज हमेशा याद होती है। आज आप बैठे हो कहीं पे, वही आपका डेली का रूटीन चल रहा है, अब वो रूटीन ब्रेक हो जाएगा। एक दिन आपने उठे सुबह सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई वढ़ाई करी, उसके बाद दिन में सो गए, खाना वाना खाया, वापस उठे, वापस पढ़े, वापस रात में वापस सो गए, रिविजन करके। अब यही रूटीन एक दिन करोगे तो आपको इसमें बोझ लगेगा कि अरे क्या है, क्या ही कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही रूटीन डेली के डेली महीना 1.5 महीना रूटीन में बिठा लोगे तो उसके बाद आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए यूज्ड हो गई है।
ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई को भी जितना बार रिवीजन करोगे, जितनी बार एक ही एक चीज को बार बार पढ़ते रहोगे, वो आपके दिमाग में वैसे बैठती जाएगी और जिंदगी में कभी उस चीज को आप नहीं भूलोगे। तो इसीलिए इस चीज को भी बार 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 पढ़ोगे तभी याद होगी। ट्रिक से याद करने का कोई भी मतलब नहीं है, दूसरा मैं ट्रिक बनाऊंगा, आप उस ट्रिक को अपने हिसाब से पढ़ोगे, किसी को याद होगी किसी को नहीं होगी। इसलिए वही चीज आप 10 बार लिखो तो 10 बार सेम टू सेम उसी मैनर में याद आपको हो जाएगी। तो ये है, आप अपने आते हैं किसमें, उपनिषद लिटरेचर में। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ ये है कि आप अपने गुरु के पास बैठो विद फेथ, एक भरोसा करके आप अपने गुरु के पास में बैठे हो। तो इसी का मतलब है उपनिषद लिटरेचर में, इसका मतलब है टू सिट नियर गुरु विद फेथ। इस उपनिषद लिटरेचर को आखिरी वेद माना जाता है, आखिरी जो है वैदिक लिटरेचर का आखिरी पार्ट है, इसीलिए इसका नाम रखा है वेदांत। वेदांत का मतलब है वेद प्लस अंत, तो वेदों के अंत को बोलते हैं वेदांत। तो इसका नाम वेदों का अंत है उपनिषद लिटरेचर, इसीलिए इसका नाम रखा है वेदांता। इसी में भी सेम टू सेम वही है कंटेंट जो कि अपने आरण्यक लिटरेचर में था। क्या क्या है? फिलोसॉफिकल नॉलेज और मिस्टिक नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी, ये सेम टू सेम इसी का भी यही कंटेक्ट है। रहस्यात्मक ज्ञान के बारे में बताते हैं ये भी। इसी में जो है इसको लिखा गया है प्रोन और वर्स के फॉर्म में, गद्य और पद्य के रूप में इसको लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने गुरु के पास बैठो एक भरोसे के साथ में कि भाई हमारा गुरु हमें कुछ अच्छी ही चीज सिखाएगा। आपकी लाइफ में दो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु होते हैं, एक तो आपके माँ बाप होते हैं जो आपको दुनियादारी की समझ देते हैं, एक आपका टीचर होता है जो आपको ज्ञान देता है। तो इन दो गुरु के पास में जब भी आप बैठो तो आप एक फेथ के साथ में बैठो कि आज कुछ नया जानने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये बात है उपनिषद लिटरेचर की, जिसमें लास्ट पार्ट है वैदिक लिटरेचर का जिसको बोलते हैं वेदांता। इसका कंटेंट भी एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी और मिस्टिक नॉलेज है। इसको लिखा गया है गद्य और पद्य के फॉर्म में। इसमें 108 उपनिषद है। अब 108 के 108 तो पढ़े नहीं जाए तो याद नहीं करे जाए। तो इसीलिए इस सब चीज को शॉर्ट में करते हुए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो उपनिषद है वो बताएगा, जैसे कथा उपनिषद, जबला उपनिषद। तो ये सारे उपनिषद जो है इसके इंपॉर्टेंट उपनिषद ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।